छोटे ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और थाड़ियों की खबरें। बीकानेर की कोलायत में शिक्षक लगाने की मांग को लेकर नारायणसर में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के बाहर लगातार तीसरे दिन भी ग्रामीणों द्वारा नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि विभाग को बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, ऐसे में घोषणाएं तथा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने की बातें खोखली नजर आ रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यदि 15 नवंबर तक आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। उन्होंने धरना प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। चूरू के सालासर में ओवरलोड वाहनों से हादसे की आशंका बनी, हाईवे से ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं, अनदेखी के कारण सवारियों की जान जोखिम में डालकर सफर कराया जा रहा है। जैसलमेर के रामगढ़ में खुले नाले में गंदगी का ढेर लगने के कारण पानी का बहाव रुका, नालियों में कचरा जमा होने से नालियां चौक हो गई। भरतपुर के डीग में कोथाना पुलिस ने चोरी की बाइक सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एएसआई रमेश चंद द्वारा जाप्ता खोए के डब्बर किराए पर नाकाबंदी के दौरान वाहकों की चेकिंग की जा रही थी, तभी वाहन चोर दबोचा गया। धौलपुर के मनिया में खेरली गांव में एक व्यक्ति से तीन सगे भाई लूटपाट कर भाग रहे थे कि पुलिस को मिली सूचना के बाद उन्हें कुछ देर बाद ही दबोच लिया गया। भरतपुर के नगर में सीकरी चुंगी स्थित पेट्रोल पंप पर एक ग्राहक द्वारा सेल्समैन के साथ मारपीट के विरोध में पंप बंद रहे, बाद में पुलिस मौजूदगी में लोगों को डीजल पेट्रोल का वितरण कराया गया। जोधपुर के बिलाड़ा में हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोविंद माथुर कैलाश शर्मा की खंडपीठ ने एक प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जोधपुर जिले के जसवंत सागर बांध के कैचमेंट एरिया में वर्ष 1980 के पूर्व के खुले कुओं से सिंचाई के लिए पानी को उद्योग की छूट देकर राहत दी। काश्तकारों की ओर से आदेश के मॉडिफिकेशन के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र सिंह सिग्वी ने कोर्ट से आग्रह किया। उनके कुएं वर्ष 1980 से पुराने और खुले हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश से उनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से फसलें खराब हो जाएंगी। बाड़मेर के बायतू में शराबी युवक ने अपने घर में आग लगा ली, सेवनियाला गांव की घटना है। गंगाराम मेघवाल नामक युवक ने आग लगाई, सेवनियाला पटवारी मौके पर मौजूद रहे, बायतू पुलिस घटनास्थल के रवाना हुई, मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जमा रही। चूरू के सुजानगढ़ में 500 हजार के नोट बदलने के बाद दूसरे दिन एटीएम व बैंकों के बाहर भीड़ लगी रही, लोग पुराने 1500 के नोट बदलवाने के लिए कतार में लगे हैं, पुलिस जाप्ता भी मुस्तैद है। अजमेर के विजयनगर में उपभोक्ता बाजार में सुस्ती का आलम रहा, व्यापारियों के अनुसार 500 हजार रुपए के नोट बंद होने के कारण व्यापार प्रभावित है, इस कारण जींसों के भाव भी स्थिर रहे। अजमेर के रूपनगढ़ में सुबह से एटीएम और बैंकों में 500 हजार के नोट लेने के लिए भीड़ उमड़ी, कई बार सर्वर डाउन की भी शिकायतें मिली, नए नोट को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। सिरोही के पिंडवाड़ा में 500 हजार के नोट बंद होने को लेकर एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर लंबी कतार लगी, आदिवासी लोगों के खाता नहीं होने से भी परेशानी हो रही है। झालावाड़ की भवानी मंडी में कार्तिक स्नान में कुछ दिनों का समय बचा है, लेकिन अभी तक चंद्रभागा नदी की साफ सफाई नहीं हो पाई है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अभी यहाँ घाटों की सफाई नहीं हो पाई है, घाटों की पट्टियों पर कई काई जमी होने के कारण फिसलन हो रही है। अलवर के भैरोड में बस में आग लगने से जलकर राख हो गई, दिल्ली जयपुर हाईवे पर आरटीओ ऑफिस के सामने की घटना है, भैरोड पुलिस मौके पर पहुंची। दौसा के बांदीकुई में मुख्य बाजारों में गुरुवार को दिन में कई बार जाम लगा, इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा, कई जगह तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। बाजार में सबसे ज्यादा जाम की स्थिति बैंकों के बाहर रही। बीकानेर के नोखा में 500 हजार के नोटों को बदलने के लिए बैंकों में भीड़ उमड़ रही है, कल नंबर नहीं आने से परेशान लोग आज सुबह से बैंकों के आगे जमे रहे, लोगों में नोट बदलने की ओर से मची होने के कारण कस्बे के बैंकों पर लंबी कतारें देखी जा सकती है। राजसमंद के खमलोर में पड़ासली एनएच 8 के पास मिली महिला के शव की अभी तक शिनाख्त नहीं पाई है, केलवा थाने के पड़ासली के बाद सड़क किनारे महिला का शव संदिग्ध हालत में पुलिस को मिला है, पुलिस मृतका की शिनाख्त में जुटी है। बाड़मेर के समदड़ी में मुख्य बाजार में एसबीआई बैंक में लंबी कतारें लगी रही, शहर में एक दिन बैंकों की छुट्टी के बाद से गुरुवार को बैंक खुलने से पहले ही लोगों की लंबी कतारें लगी, बैंकों में छुट्टी रहने से करोड़ों रुपए का कामकाज प्रभावित हुआ। अलवर के निमराड़ा में थाना क्षेत्र के बाटखानी गांव की पीपला वाली ढाणी में एक परिवार के साथ झगड़ा कर रहे सशस्त्र युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर धुनाई करते हुए युवक को पेड़ से बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में 500 हजार के नोट बंद होने के बाद बैंक एटीएम से आज से 2000 रुपए तक के नोट निकालने को लेकर सुबह से बैंक एटीएम पर भीड़ दिखाई दी। बैंक एटीएम भी 10 बजे बाद ही खोले गए, वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम आज बंद रहे, उधर दूसरे दिन भी बैंकों के बाहर नोट बदलवाने व जमा करवाने को लेकर लंबी लाइन दिखाई दी। चौक के अलीगढ़ में बांध से पानी चोरी करने को लेकर हंगामा हो गया, सरपंच सहित किसानों ने हंगामा किया। गोठा बांध से दूसरे गांव खेड़ा के किसानों ने सिंचाई के लिए बांध में इंजन लगा दिए थे, गोठा के किसानों का कहना था कि पानी पर पहला हक गोठा गांव के किसानों का है। सिरोही के रेवदर में अटल सेवा केंद्र में जनसुनवाई कार्यक्रम एसपी संदीप सिंह की अध्यक्षता में हुआ, इस दौरान सरपंच पंचायत समिति सदस्य ग्रामीणों ने निम्बा जानापुरा हिम्मतपुरा के स्व गांव में बिजली पानी सड़क चिकित्सा जैसी समस्याओं को सुधारने की मांग की। बाड़मेर के पचपदरा में एसबीआई व पंजाब नेशनल बैंक खुलने से पहले लोगों की बैंकों में लंबी कतारें लगी, जनता की परेशानी का सामना करना पड़ा, दोनों ही बैंकों में एक एक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था नहीं की गई। हनुमानगढ़ के नोहर में बड़े नोट बदलवाने को लेकर नोहर के विभिन्न बैंकों में आज भी खूब मारामारी रही, बैंक शाखाओं के सामने शुक्रवार सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई, पुरुषों के साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में नोट बदलवाने के लिए कतार में खड़ी दिखाई दी।
यहाँ के स्टेट बैंक बीकानेर और जयपुर की मुख्य शाखा में व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके अलावा भी विभिन्न बैंक शाखाओं के बाहर लोगों की भारी भीड़। नए नोट पाने की चाह रखने वालों को आज भी निराशा ही हाथ लगी। उदयपुर के ऋषभदेव में चिकित्सा कैंप लगाया गया था, जिसमें भारी संख्या में स्कूली बच्चों ग्रामीणों को इलाज कर दवाइयों का वितरण किया। पाली की सुमेरपुर पंचायत समिति में क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर उपखंड कार्यालय पर यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव यशपाल सिंह कुपावत के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुचित तरीके से विरोध जताया। राजस्थान यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव कंपावत ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य सिर्फ जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना है। कंपावत ने कहा कि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में आम जनता सड़कों की वजह से परेशानी का सामना कर रही है। खराब सड़कों की वजह से लोगों को स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं भी हो रही हैं। चित्तौड़गढ़ के आकोला में विद्युत बिल जमा करवाने के लिए ग्रामीणों ने RIEB कार्यालय आकोला में जाने वाली 1500 के नोट के लिए मना करने पर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। जानकारी पाने के बाद भाजपा IT सेल मंडल संयोजक शुभलाल जाट मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया कि पहले 1500 के नोट को बैंक में जमा करवाकर उनको बदलवाकर पुनः बैंक से अन्य नोट प्राप्त कर बिल जमा करवाएं। जाट ने उप प्रधान भीम सिंह झाला को इस बारे में सूचना दी। सूचना पाते कार्यालय के निर्देश अनुसार बिल जमा करवाने की निर्धारित तिथि को 2-3 दिन की अवधि बढ़ाने की सूचना कनिष्ठ अभियंता कार्यालय आकोला। डूंगापुर के सिमलवाड़ा में वागड़ महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया गया, जिसके चलते कृष्णा सागर तालाब में दीपदान कार्यक्रम हुआ। पाली के मारवाड़ जंक्शन में भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश भरवानी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सैनिकों के लिए खाता खोलने की मांग की। नागौर के पर्वतसर में ग्राम निर्मा में गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने SDM राजन सिंह चांदावत को ज्ञापन दिया। श्रीगंगानगर के साधु शहर में वार्ड नंबर 11 में श्री पीर मंदिर में पीर बाबा का 17वां सालाना दीवान सजाया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दीवान में पंजाब के मलेरकोटला से बाबा बग्गी खान विशेष रूप से पहुंचे, भक्तों को आशीर्वाद दिया। पूरी रात बाबा का गुणगान किया और लंगर का वितरण किया। इस दौरान भजनों पर भक्तों ने नाचकर खुशियां मनाई। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली नवगठित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अटल सेवा केंद्रों का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारह के छावड़ा में व्याख्याताओं के रिक्त पद भरने सहित अन्य मांगों को लेकर शासन अध्यक्ष ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। बारह के अचरू में विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत मूल्ला विस्तौती का औचक निरीक्षण किया। कार्य में लापरवाही बरतने पर ग्राम सेवक कल्याण सिंह मेहता को मौके पर ही कारण बताओ नोटिस जारी किया। विकास अधिकारी ने आवास योजना में किश्त लेकर भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले लाभार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क किया और आगामी 7 दिवस में कार्य प्रारंभ करने की हिदायत दी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में बैंक ATM पर नोट निकालने के लिए भीड़ उमड़ी। बूंदी के रैनवा में उपखंड के आधा दर्जन सरकारी स्कूलों की भूमि पर दबंगों का आक्रमण है। SDM मुकेश चौधरी ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। पटवारी कानून को अब तहसीलदार हटाने की कार्रवाई करेंगे। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।